अल्लाह आपको और इज्जत और शहरत दे और आप इसी तरह काम करते रहें। यू अच्छा आपसे पूछना एक सवाल कि ये अभी शाह महमूद कुरैशी आए वापस hmm. ठीक है और उनका कोई इस्तकबाल हुआ बहुत ज्यादा really? जी तो वो सब लोग पूछ रहे हैं कि वो क्यों, क्या कारनामा है, हाँ, है वो यही यही समझ किया है आपको मिटाऊँ और उसका एक कि आप ये देखें कि हम लोग बिरादरियों के नाम पे मर रहे होते हैं कि मैं रंगड़ हूँ तो मैं शेख हूँ तो मैं मलिक हूँ तो मैं अवान हूँ मैं कके सही हूँ मैं ये हूँ हम किसी न किसी फॉर्म में सुपीरियरिटी निकाल रहे होते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ दूसरों से ठीक है ना ठीक और ये हमारी हर चीज में अब आ गई है हती के फॉरन पॉलिसी जो कि पढ़े लिखे लोगों का काम है बनाना और पढ़े लिखे लोगों का काम है उसे डील करना वो भी पेटी पॉलिटिक्स में पड़ गए उसमें या कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स में आ गए आई डोंट नो के शाह महमूद कुरैशी का किस वजह से इस्तान हो रहा है फकीर ओवरवेलमिंग लेकिन आई डू नो के ये ट्रिप इतना अच्छा नहीं था जितना लोगों को पोर्ट्रे किया जा रहा है और हमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं का शाह महमूद ये भी सही आके लोगों को बताएं कि ये एग्री करके आए हैं कि पाकिस्तान ने अमेरिका को बेसिस दे दी है अच्छा तो जब ये बातें बताएंगे इन्होंने क्या किया तो फिर उसके ऊपर हम नारे मारे हम उससे खुश हैं कि नहीं खुश ठीक हो गया ये इसके ऊपर हमने अभी आना है ओके। और इस पर अच्छा। उसके बाद चौधरी निसार नीन साल के बाद गए अपना हल्फ लेने कौमी असम्बली और वहाँ पे स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों अवेलेबल नहीं थे और वो हल्फ लिए बगैर आ गए बेसिकली चौधरी परवेज जो गेम करना चाह रहे हैं वो सबको पता है क्योंकि वो खुद वजीर अला बनना चाहते हैं अगर चौधरी निसार आ जाते हैं तो, वो बहुत हो जाते है के। तो प्रवेश लाई जितनी देर कर सकेंगे वो करते रहेंगे ले। तो अच्छा। तो हलफ लेना है, है चौधरी निसार का वो हलफ ले और स्पीकर का, का काम है कि हलफ ले नए मेम्बर से ले। लेकिन पाकिस्तान है हर चीज हर वक्त हो रही होती है यहाँ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज और आपके ख्याल में ये डिलेइंग टैक्टिक्स है और कुछ नहीं था तो तंग करना उसे बताना कि मैं बड़ा अच्छा, चौधरी ठीक है मैं बैठा हूं हां तू बड़ा छोटा चौधरी अच्छा ठीक है ठीक है है तो दोनों चौधरी हां बिल्कुल सही अच्छा ये एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपसे इमरान खान ने कहा है कि जो लोग मोटरसाइकिल पे पीटीआई में आए थे वो अब लैंड क्रूजर में फिरने की या उस वो लेने की कोशिश ना करें यानी बेसिकली करप्शन से माल बनाने की कोशिश ना करें तो इसके बारे में आप क्या करें? ऐसा करें इमरान खान का एक रुकनी कमेटी बनाई अच्छा एक रुकनी कमेटी जिसका नाम उस रुकन का नाम है मुबशर मुबमान और वही उस कमेटी को हेड करें मैं सिर्फ लिस्ट बना के देता हूँ कि कौन कौन इलेक्शन लड़ने से पहले मोटरसाइकिल पे था और अभी लैंड क्रूजर पे है ठीक है अच्छा है पर लैंड क्रूजर पे है बड़ी गाड़ियों पे है और पिछले तीन साल के अंदर कितनों के घर बदले गए यानी कौन किस जगह पहले रहता था अब फिर वो निकल के कहाँ कहा, कहा, पे चला के? गया और कितनों के कहाँ कहाँ घर बने क्या अगर कोई फैसला बात का है तो उसका लाहौर में भी घर है अब जो लाहौर वाला था उसका नथिया गली में भी घर है और एक हमारे वो साउथ पंजाब के उच शरीफ की साइड के वो टर्की में जाके घर बनाए हैं तो भाई इमरान खान क्या वन मैन कमीशन बनाए और मैं, मैं प्रूव करके बताता हूँ तो दो घंटे में वो रिपोर्ट दे भी दूंगा उनको अच्छा। तैयार पड़ी है आपके पास। ये इमरान खान की बातों का कोई वैल्यू नहीं है ये मीडिया की हद तक तो ठीक है फैक्ट ऑफ द मैटर उनकी अपनी पार्टी में करप्शन हो रही है जी। उनकी नाक के नीचे हो रही है इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर है उसमें एक दफा मीटिंग बुलाए बड़े लोगों की और छोड़ दे बाहर आ जाए फिर उनको खुद ही पता चल जाएगा उनको किसी रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं ठीक हो गया ठीक <laughs> है सो बेसिकली लेट हो जिसने जो करना था वो कर चुका हुआ तो पता नहीं उनको क्यों ख्याल है इसका। अच्छा वजीर अजम की जेर सदारत पी टी आई की कोर कमेटी का इजलास हुआ जिसके अंदर तरीन ग्रुप के साथ जो मीटिंग हुई थी उसकी ब्रीफिंग उनको सारी दी गई उसके अलावा इमरान खान का इस मौके पर उन्होंने कहा कि एहतसाब तो होगा क्या है होगा ये कि अगर हुकूमत गिरती है, गिर जाए जो कुछ होना हो जाए मैं तो एहतियात रीन से पचपन करोड़ का बावन करोड़ का होना है ना जी। ये चीनी के जी जी। में जो है हाँ जी। तो उनके ग्रुप में जो चौवालीस मेंबरान है सबको दस दस करोड़ एक्स्ट्रा मिल गया उनके लिए डेवलपमेंट फंड की मद में ओ, तो कौन सा एहत लेने के देने पड़े हैं और देखे आपको मैं एक सही बात अगर हमने पीटीआई को सपोर्ट किया तो हमने जनमन एहतसाब के लिए किया लेकिन लोग जो पीटीआई को गालियां देते रहे इमरान खान को बुरा भला कहा उन्होंने उनसे अलग ग्रुप बनाया वो उस यानी उस्मान बुजदार मिलता है और वो वादा करता है कि इतने इतने तो हमें पैसे दे रहे हैं तो वो लोग वापस चले गए क्या हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जो असूल की बातें कर रहे थे सारे खड़े होकर पी के अंदर कि हम कभी ब्लैक नहीं होंगे या किसी को नहीं करने देंगे ब्लैकमेल वो ब्लैकमेल भी हुए और खुश उस्लूबी से स्माइल्स भी कर रहे हैं तो अब हिसाब किस बात का खत्म रात गई बात गई इस मुल्क में पता नहीं कब हो गए तो बेसिकली तरीन वगैरह को लेकर ये सिर्फ पर्सनल टारगेटिंग है और हिसाब की बात नहीं है मेरा नहीं अब मैं ऐसे तरीके पहुंचाऊं कि जांगी तरीन को और का और इमरान का डिफरेंस चीनी के ऊपर नहीं है अच्छा ठीक है और उसकी बड़ी वजह ही है कि इस पर मैंने बड़ा सोचा फिर मैंने स्लीप साफी का भी एक मैंने इस पे पॉइंट ऑफ व्यू सुना और साफी ने बिल्कुल एक सही बात की उन्हें कहा जहांगीर तरीन का कोई ऐसा बिजनेस नहीं जिसका इमरान को नहीं पता ठीक हो गया और इमरान की कोई ऐसी सियासी पैंतरा नहीं जिसका तरीन को नहीं पता ठीक इट टू बी मोर देन दैट Is, क्योंकि उससे पहले तो जहांगीर से फायदा भी तो लिया बिल्कुल जहाज उसके हेलीकॉप्टर उसके उसकी गाड़िया उसके घर उसके पैसे हुए। हुए। लंदन से ये तो फिर अब आप ही पता करा कल परसों तक आप बस ठीक है आप पता करें और मैंने चुनाल को भी कह दिया बस सही है पता करके बताएं कि आखिर ये बेसिक रीजन क्या है जिसके पीछे इतनी टारगेटिंग हो रही है अच्छा अगेन गोइंग टू टॉक अबाउट इमरान खान के उनकी अभी आई एस आई हेड क्वार्ट के अंदर साढ़े तीन घंटे की ब्रीफिंग चली है तो कुछ आइडिया है आपको किस बारे में चल रही है मेरा ख्याल है कि जब आई एस आई हेड क्वार्टर प्राइम मिनिस्टर जाता है ना तो वो नेशनल सिक्योरिटी इशू होता है ठीक है और यानी पोलिटिकल इशू वगैरह की कोई उसमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो कोई भी जाके उनको वहाँ ब्रीफ कर सकता है कोई सेक्टर कमांडर कोई भी जाके ब्रीफ कर सकता है लेकिन जब वो आई एस आई हैं तो क्वार्टर्स का मतलब है कि मल्टीपल लोग उस प्रेजेंटेशन में मौजूद हैं और उनको दी गई है और ये सिर्फ आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी के जो आपके लवाजमात होते हैं उनके मतलब हो सकती है इन दिस केस जो आजकल ख़बरें आ रही हैं जो हमने पहले रिपोर्ट भी किया है कि पाकिस्तान शायद अमेरिका को बेसिस तो ना दे प्रॉपर अच्छा। आ, बनाने के लिए लेकिन एयर फील्ड की एक्सेस दे देगा अच्छा के अच्छा कहने को बेस नहीं दिया हमने हम कसम खा सकते हैं लेकिन उनके ड्रोन वहां से उड़ते रहेंगे जैसे कुछ साल पहले उड़ते थे बलोचिस्तान की बेस वगैरह से तो आई थिंक उसका फॉर एंड अगेंस्ट उसका दोनों होना है उसका फायदा भी होगा उसका फॉल आउट भी हो सकता है और आप टारगेट भी बन सकते हैं दहशत के डायरेक्ट टारगेट बन सकते हैं तो वो ये जो ब्रीफिंग होती है स्टेट की ये ऐसे मौके पे जो होती है वो इन इश्यूज के पर ज्यादा होती है ठीक है मैं ये नहीं कह सकता कि वो इसी पे हुई होगी अच्छा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक टिपिकल चीज है जिसकी वजह से क्वाज जाएंगे तो डिफरेंट तो डिजीज को मिलना फिर ये वो उसयारे की ब्रीफिंग लेना तो दिस कैन बी द ऑफ द डे ठीक हो गया वो इसी से फिर रिलेटेड है कि खबर ये भी आई है कि पाकिस्तान ने जमीनी और फिजाई अमेरिका को शाह महमूद साहब का आपने फकीर इस्तकबाल तो कर लिया <laughs> आपके वर्ड से ओवर वेलमिंग ये दिस इज वॉट तो वो आके बताए आप आवाम को और दो साल बाद जब साबित के वो झूठ बोला था वहां पर तो फिर उसकी सजा भी तजवीज करती है अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है तो क्या ये हमारे लिए बेहतर है। है तालिबान या दाइश वगैरह जब भी उनको अमेरिका को अगर अटैक करना होगा तो पाकिस्तान को करेंगे ना फिर वो आप सॉफ्ट टारगेट बन गए ना उनका ठीक है क्योंकि अमेरिकन इंटरेस्ट तो आ गया तो वो कहेंगे जी उनके पार्टनर है यहाँ से जहाज उड़ते हैं तो अब पाकिस्तान कि फलां शहर में तो फलां शहर में तो, में तो आप सॉफ्ट बेली है ना आपकी ओके। okay. आप उसका टारगेट हो गए और फायदा उसका यह है कि अगर आप इसको हेज करते हैं सही तरीके से तो आप पैसा बहुत ले सकते हैं और इस मुल्क में जो इकोनॉमिक डूम एंड ग्लूम की सिचुएशन है हाँ। वो सडनली ठीक हो सकती है अच्छा अब ये कॉम बताएगी मैं नहीं बता सकता क्या मैं दोनों में से वॉट वी हैव टू डू Obviously, मतलब जो भी बेटरमेंट की तरफ जाती है बात उस तरफ ही अब एक तरफ अब तो और एक तरफ तरफ तो तो और खाई अभी तो लग रही थी आ, तो आपने खाई में गिरना कुवे में? कुवे में गिरना hmm. है हाँ। really? कि <laughs> <आप ते ना। laughs> जरा ज्यादा डीप लगती है मुझे ना दोनों में से कौन सा मैं नहीं गिरा दोनों में से बट अच्छा सो

थैंक यू सो मच आपके पास अगर कोई कराची से कोई खबर है कुछ देना चाहे कुछ बताना कराची चाहे। चाहे। से आपको मैं ये बताता हूँ कि आ, मैं जितने कराची वालों को मिला हूँ ना वो मुझे कहते हैं हमने सबसे बड़ी गलती की है पीटीआई को वोट दे के। ओ, अच्छा और उन्होंने मुझे कहा कि आने वाले दिनों में आप हर इलेक्शन में देखेंगे कि पीटीआई कम से कम पांचवें नंबर पे आएगी शायद और ज्यादा नीचे हो ओके

और बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हैं लोगों के वहाँ पे लोग सफोकेट हो गए कराची ठीक हो गया जी थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज़ कीप वॉचिंग सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें और बेल को बटन को पुश करें अल्लाह हाफिज़